नमस्ते इंडिया, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में और आपके चैनल रेस्टोरेंट इंडिया पर। मैं हूँ अंश मिश्रा, चेकिंग अक्रॉस अफ्रीका ऑल 54 कंट्री सफर के ऑफिशियली चौथे कंट्री। वेलकम टू रुवांडा। How I stayed in $200 hotel for free. जी हाँ, बिल्कुल सही। I know, वीडियो के टाइटल को देख के आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, आखिर कैसे? So let me clear you. सबसे पहले भाई मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा अपने डॉक्टर राज यानी साइकिल बाबा को, जिनसे मिलने का मौका मुझे रवांडा कंट्री के कैपिटल किगाली में हुआ, और उनके फ्रेंड्स मिस्टर विनोद सर एंड मिस्टर आनंद सर, जो कि ऑनर हैं करी किंगडम रेस्टोरेंट के। करी किंगडम वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइन डाइन रेस्टोरेंट एंड बार रवांडा कंट्री के कैपिटल किगाली में इंडियन डेलिकेसी के लिए। बात करें वही एड्रेस की, हाउस नंबर 24, KG 5 एवेन्यू, कचीरू किगाली। ऑफिशियल वेबसाइट www.currykingdom.rw। बाकी की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेक क्यू का टूर, जो लास्ट के दो वीडियो आपने देखे लेक क्यू से, वो पूरा का पूरा भाई स्पॉन्सर था करी किंगडम रेस्टोरेंट और उनके ऑनर मिस्टर विनोद आनंद सर की तरफ से मुझे और साइकिल बाबा यानी राज भाई को, जिसकी वजह से हमें रहने का मौका मिला इस लेक क्यू के पास गिटेसी एरिया यानी किबुए के कारमम लॉज में। Let's check out this $200 property wherein I stayed for free. Welcome to the Lake Kyo, Rwanda's largest lake and sixth largest lake in Africa. तो भाई अब हम आपको लेके चलते हैं रूम टूर कराने, जहां पे हम रुके हुए थे कल रात में। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, ये जो हमारा ट्रिप है इसको भाई हमें स्पॉन्सर किया हमारे विनोद सर और आनंद सर जी ने, जो कि करी किंगडम रेस्टोरेंट किगाली में पड़ता है भाई रवांडा कंट्री के कैपिटल में, उसके ऑनर हैं और अपने इंडियन भी हैं। तो वो मुझे और राज भाई को यानी साइकिल बाबा जी को, दोनों को साथ में लेके आए इस ट्रिप को कराने के लिए, 1 night 2 day का ट्रिप। तो हम आके रुके भाई इस कुरंगी विलेज लेक क्यू के जो बॉर्डर पे पड़ता है वहाँ पे, इस प्रॉपर्टी कार्डमम लॉज। अब ये जो लॉज है भाई, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूँ इसकी बुकिंग $200 पर नाइट का चार्ज है सिर्फ और सिर्फ स्टे के लिए। तो हम तीन लोग थे, एक ही रूम लिया, दो बेड बड़ा सा, उसका टूर मैं अभी अब आपको कराता हूँ। तो ये आप जैसे ही आएंगे भाई, ये रहेगा एंट्री, ये है पूरा अपना रूम बड़ा सा, आप ये देखो काफ़ी बढ़िया है भाई, स्पेसियस है, लग्जरी वाला जो आप फील करते हो वो फील आपको यहाँ पे आने वाला है। दो बड़े बड़े बेड थे, ये आप देखिए, ये दोनों बड़े बड़े बेड हैं। मच्छरदानी वगैरह भी भाई, क्योंकि यहाँ मच्छर काफ़ी हैं तो इसलिए लगा हुआ, लाइटिंग वगैरह काफ़ी लगी हुई है। और बाकी ये रहे, बाकी ये आपको सामान वगैरह रखने की चीज़ें, वॉशरूम हम आपको भी चलते हैं, काफ़ी अंधेरा है। सबसे अच्छी चीज़ भाई इस प्रॉपर्टी की जो हम सबको लगी वो थी जो बाथरूम है भैया, बाथरूम का स्ट्रक्चर और यहाँ का डेकोरेशन इंटीरियर जितना भी अच्छा किया गया है वो आप देखो, ये काफ़ी वगैरह, ठंडा पानी गर्म पानी जो भी चाहिए, हॉट शावर कोल्ड शावर सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे लगा हुआ है भाई, टॉवल वगैरह भी अलग अलग से दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा इन्होंने बनाया है भाई। इसकी अगर इंटीरियर की डिजाइनिंग आप देखोगे, ये देखो ये पूरा पत्थर है और ये पत्थर इन्होंने अलग से लगाया हुआ है,
बाकी पर्दे वगैरह हैं बाहर, ये स्पेल लगते हो तो बाहर से आप इस लेक का व्यू भी इसी अंदर से ही वॉशरूम से ले सकते हो। एक चीज जो हमेशा हम सबको भाई पसंद नहीं आती वो है कि यहाँ पे स्प्रिंकल आपको टॉयलेट में नहीं मिलेगा, वेस्टर्न स्टाइल कागज से अपना काम चलाइए। तो ये था पूरा हिसाब किताब इसका, और जैसे ही आप उधर रूम से निकलेंगे तो ये रहा पूरा अपना बेडरूम। टीवी वगैरह है, वाईफाई भी आप यूज कर सकते हैं, तो सारा कुछ इस प्रॉपर्टी में आपको मिल जाएगा भाई। का व्यू इस प्रॉपर्टी से अगर आप देखोगे लेक क्यू का, तो ये पूरा का पूरा आप देखिए, बोटिंग वगैरह भी होती है तो वो सामने बोटिंग दिख रही है, अगर हमें अभी करने का मौका मिला तो हम आपको दिखाएंगे। बाकी ये रही पूरी प्रॉपर्टी, ये रहा मेन गेट। मेन गेट से जैसे ही आप अंदर आते हैं आपको मिलने वाला रिसेप्शन, और ये किचन एरिया या आप बोल सकते हो भाई ब्रेकफास्ट करने का एरिया। ये है मेन इंटीरियर और मेन किचन, काफ़ी अच्छा बना है भाई साहब। डॉक्टर साहब ब्रेकफास्ट पे लगे हुए हैं, पैनकेक पे पैनकेक मारे जा रहे हैं। और भाई एक चीज़ और, क्योंकि ये ऑलरेडी था कॉम्प्लीमेंट में हमारे, और पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट हम लोग ब्रेकफास्ट कर चुके, तो ये रहा भैया इनका रेस्टोरेंट पूरा जो हमने खाना खाया यहाँ पे। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी भाई बनाई है इन्होंने, और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो हमने आपको बोला था ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट पूरा रखा हुआ है आपको। ये देखो ब्रेड वगैरह जो जो आप ले सकते हो, ये रहा ब्रेड, ये अलग अलग फ्रूट है, ये यहाँ का भैया टमाटर है, केला पासवान बोलते हैं, और तरबूज वगैरह ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी खूबसूरत है भाई अगर देखा जाए तो, और सारा का सारा ये जो पूरा प्रॉपर्टी बना हुआ है वुडन पे बना हुआ है, लकड़ी पे, तो ये इसकी खासियत है। ठंडा काफ़ी ज़्यादा है भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो, सुबह शाम जब भी आप देखोगे काफ़ी ठंडा रहेगा। सनराइज़ भाई जो यहाँ पे होता है लगभग सुबह 6:03 पे हुआ था, बट क्योंकि हम ये हिल पे हैं तो सनराइज़ वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बट अगर आप टाइम पे आते हैं सनसेट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, जो आपको ज़रूर ट्राई आउट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस की इस प्रॉपर्टी को लेके, तो 4.5 out of 5 इस प्रॉपर्टी को मैं देना चाहूँगा। रीज़न वो 0.5 जो मैंने कट किया, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लेस मैन पावर एज पर साइज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। रिजॉर्ट काफ़ी बड़ा है, उसके कंपेयर में जो होटल के स्टाफ थे जिस वक्त हमने भाई इस प्रॉपर्टी को विजिट किया काफ़ी कम मुझे लगे, बट अपार्ट फ्रॉम दिस पूरा का पूरा ये प्रॉपर्टी, खासकर हमारा जो रूम था पूरा का पूरा क्लीन, वॉशरूम जो टॉयलेट था पूरा का पूरा हाइजेनिक, कोई भी चीज़ें वहाँ पे ऐसी नहीं लगी कि आपको बोलना पड़े, हॉट वाटर कोल्ड वाटर सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। रिसेप्शन पे आप जैसे ही आएंगे वहाँ पे आपको वेलकम किया जाएगा, ग्रीट किया जाएगा, गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी ऑलरेडी है आपके पास, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे अस्कर जो बोलते हैं वो अवेलेबल थे। ब्रेकफास्ट जो कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ था इट वॉज़ वेरी गुड, जो भी आपको खाना है अनलिमिटेड था, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो, पैनकेक हो, फ्रूट्स हो, लोकल फ्रूट्स हो वहाँ का, सब कुछ फ्रेश आपको वो खुद सर्व कर रहे थे, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा। रेस्टोरेंट प्लस बार दोनों हैं, जो भी आपको एक्सेस करना वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बात करें व्यू की इस रिजॉर्ट से लेक क्यू की, आउटस्टैंडिंग है सनसेट या सनराइज। सनराइज़ के लिए काफ़ी ये पॉपुलर है, रीज़न सनसेट काफ़ी पीछे से होता है तो आप शायद मिस कर सकते हैं, सनसेट के लिए काफ़ी ये बेस्ट स्पॉट हो सकता है। ये प्रॉपर्टी ही भाई आपको बोटिंग वगैरह की भी सर्विस, जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है इस लेक क्यू के अंदर, यानी वहाँ पे पहुँचने के बाद, वो सारा ये प्रॉपर्टी आपको करके दे सकता है अगर आप उनको पहले से इन्फॉर्म करके रखते हैं, या पहुँचने के बाद भी अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है आप उनको बोल सकते हैं। वाईफाई की सर्विस अच्छी थी, इंटरनेट यानी काफ़ी अच्छी स्पीड की आप यूज़ कर सकते हो, टीवी, गीज़र, और रूम के अंदर ही आपको भाई कॉफ़ी मेकर, चाय मेकर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। शॉप, टेम्पो, ये सारी चीज़ें भी भाई प्रॉपर तरीके से वहाँ पे आपके पास है,
रूम सर्विस अगर आप बोलते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी प्रॉपर्टी के नीचे जब आप जाएंगे लेक के पास, वहाँ पे एक तरह से भाई सुबह और शाम बैठने के लिए काफ़ी अच्छा ग्राउंड एरिया है। आप चाहें तो वहाँ पे सनबाथ वगैरह भी ले सकते हैं, काफ़ी ओपन एरिया है। सो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस प्रॉपर्टी को लेके, काफ़ी अच्छा रहा, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप सबको। और वहीं मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि कारमम लॉज या करी किंगडम ने भाई हमें कुछ पे किया हुआ है, बट एज अ जेस्चर फ्रॉम विनोद एंड आनंद सर, स्पेशली फ्रॉम करी किंगडम टीम, मुझे लगा कि ये वीडियो आप सबके साथ शेयर जरूर करना चाहिए। सो जैसा भी ये वीडियो लगा है, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक ऑन कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब लेट्स फ्रॉम इंडिया चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए, यूं ही घूमते रहिए आप सब हमारे साथ मिलके पूरा का पूरा अफ्रीका। Let's from India in Rwanda in Africa with Ansh Mishra.